स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है और वो किसी पोर्ट में होता है। ये एक स्पेस पोर्ट था क्योंकि स्पेस में ट्रेवल किया करता था। यहाँ पर इस आदमी को काफी देर बाद होश आया था और इस पोर्ट में ऑलमोस्ट 6 साल से था। उसकी टांगे पैरालाइज हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर पहले तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जैक स्पेस में क्या कर रहे हैं और किस लिए लाया गया है। लेकिन तभी हम पास्ट के कुछ सीन्स को देखते हैं जिससे हमें ये सारे की सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है। जैक एक ट्विन ब्रदर था जो कि बहुत अच्छा साइंटिस्ट था और वो स्पेस में जाना चाहता था। उसे नई नई चीजें डिस्कवर करने का बहुत शौक था, लेकिन उसके कुछ लोगों से लड़ाई हो गई और कुछ पैसों की खातिर उसे मार दिया गया। स्पेस में भेजने के लिए नासा ने उस पर बहुत खर्च किया था, तो जैक ही नहीं चाहता था कि सारे पैसे जाया हो जाए। और जो उसके भाई का ख्वाब था वो खुद पूरा करना चाहता था, तो वो उसकी जगह स्पेस में चला जाता है किसी दूसरे प्लेनेट को देखने के लिए। यह जाने के लिए इसलिए भी तैयार होता है क्योंकि वो पैरालाइज होता है और जो उसकी टांगे का इलाज था वो काफी ज्यादा महंगा था। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि जिस मिशन में वो जा रहा है अगर उसमें कामयाब हो गया तो वो काफी ज्यादा पैसे अर्न कर सकता है और फिर उसको यूज करके अपने पैरों का भी इलाज करवाएगा। होता तो बहुत हार्ड वर्किंग है, बेशक उसकी टांगे नहीं होती लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसे खुद पर यकीन होता है कि ये कर लेगा। अगर बात कर लिए जाए इस प्लेनेट की तो उस प्लेनेट पर ऑक्सीजन नहीं होती। इसके साथ और भी लोग जाने वाले थे, वो सब इस जगह पर इकट्ठा होते हैं जहाँ पर वो अपने लीडर से मिलते हैं। तो उसका लीडर उन्हें समझाने लगता है कि तुम लोगों ने किस तरह वहाँ के हालातों को फेस करना है और वहाँ पर अगर किसी क्रिएचर का सामना भी होता है तो उसे किस तरह से हराना है या उसे कैसे बचना है। तभी जैक यहाँ पर एक आदमी से मिलता है और इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल से साथ हुई थी, तो उनमें काफी अच्छी पहचान हो गई थी। तो आदमी जैक को उसका अवतार दिखाता है और इस अवतार में इंसानों की भी डीएनए थी और उन क्रिएचर की भी थी जो कि उस प्लेनेट पर रहते थे, यानी जहाँ पर उसे जाना था। विंड का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रोजेक्ट की लीडर आती है। वो सीधा इस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है जो कि बिजनेसमैन होता है जिसने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। वो उसे कहती है कि तुम्हारा जैक को यहाँ पर लाने का क्या मकसद है, तो हेड उसे बताता है कि इसमें कोई मसला नहीं है, वो समझदार है और तुम्हें पता भी है कि हम उस प्लेनेट पे क्यों जा रहे हैं। वो उसे कीमती स्टोन दिखाता है, वो कहता है कि उस प्लेनेट पर इस तरह के स्टोन मिलते हैं। ये 1 kg का स्टोन 100 करोड़ का बिकता है, यानी कि सिर्फ 10 ग्राम 1 करोड़ का बिकेगा, तो तुम खामोशी से होने दो जो हो रहा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जैक को एक मशीन में भेजा जाता है जिससे वो अवतार बनकर बाहर आता है। उसको अवतार में शिफ्ट कर दिया गया था। लंबे लंबे कान, लंबी सी दुम और लंबी सी चोटी और नीला यानी ब्लू रंग उसे काफी खुश कर रहा था। फिर जैक मिलता है एक आदमी से जो कि उसकी तारीफ कर रहा था क्योंकि जैक पहले फोर्स में यानी कि आर्मी में था और उसकी एक्टिविटीज काफी अच्छी थी। तो जैक से कहता है कि तुम बहुत ही आगे जा सकते हो और उस प्लेनेट में जाके वहाँ के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि तुम जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे उनका ट्रस्ट तुम्हारे लिए उतना ही बढ़ेगा। और तुम जानते हो ना कि इस प्रोजेक्ट का हेड यही चाहता है कि उस प्लेनेट से ज्यादा स्टोन निकाल सके। इसके लिए पहले तो इन क्रिएचर को वहाँ से हटाना होगा। अगर तुम ये काम करोगे तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर 3 महीनों के अंदर तुम्हें ना कर पाए तो हमें मजबूरन यानी ना चाहते हुए भी उन पर हमला करना होगा और जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि स्टोन तो हमने पाना ही पाना है। उसे ये भी कहता है कि इसके बदले में तुम्हारी टांगे भी ठीक कर दूंगा। इस चीज के लिए जैक मान जाता है। वो लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही जैक जो कि अब अवतार रूप में होता है काफी खुश होता है, चीजों को छूने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बड़े बड़े जानवर है और एक अजीब सा जानवर जैक के पीछे पड़ जाता है, तो जैक एक झरने में छलांग लगा देता है। लेकिन अब वो अपनी टीम से अलग हो चुका था। वहाँ पर जैक अपने लिए एक मिसाल तैयार करता है। दूसरी तरफ उसकी टीम उसे काफी ज्यादा ढूंढ रही थी लेकिन उसे नहीं मिलती, तो वो लोग यहाँ से ये सोचते हुए चले जाते हैं कि ये खतरनाक प्लेनेट है और क्या पता अब तक जैक भी मारा गया हो। जैक वही जंगलों में होता है, तभी हम देखते हैं कि कोई फीमेल उसे देख रही होती है और वो उसी प्लेनेट की क्रिएचर होती है जिसका नाम नेत्री होता है। वो जैक पर एरो चलाने ही वाली होती है, तभी उस पर एक फूल आकर बैठता है, तो वो अपना डिसीजन बदल लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात को जैक के पीछे उस प्लेनेट के काफी खतरनाक जानवर पड़ जाते हैं, उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैक फौरन से फाइट बैक करता है। वो उनको भगाने के लिए आग भी लगा देता है, तभी वहाँ पे नेत्री आकर उसे बचा लेती है। लेकिन इस दौरान वहाँ पे कुछ जानवर मारे जाते हैं, तो नेत्री गुस्से में आकर जैक को कहती है तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे जानवर मारे गए। तो जैक उससे कहता है कि गुस्सा किस चीज का दिखा रही हो, अगर अपने जानवरों से इतनी फिक्र थी तो मुझे बचाया ही ना होता। नेत्री उसे कहती है
कि तुम बिल्कुल बच्चे हो। तो जैक उससे कहता है, तो फिर सिखाओ मुझे कैसे लड़ना है। इसी के साथ जैक की बॉडी पे वही क्लोनिंग स्टार्स आकर बैठ जाते हैं। नेथी इस कबीले के सरदार की बेटी होती है, तो वो जैक को अपने कबीले में लेकर जाती है। उसके कबीले के लोग जैक को मारना चाहते थे, लेकिन नेथी उनको रोकती है। तो ये बात एक क्रिएचर को अच्छी नहीं लगती। ये वही क्रिएचर होता है जो कि अब आगे जाकर कबीले का सरदार बनने वाला था, लेकिन नेत्री की माँ क्योंकि वहाँ की रानी होती है तो नेत्री को कहती है कि तुम्हें इजाजत देती हूँ कि तुम जैक को सारी चीजें सिखा सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल दुनिया में जैक की आँख खुलती है, यानी उसी पोर्ट में। तो बताने लगता है कि मैंने उन लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए पहला स्टेप पार कर लिया है, जिसे सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब नेत्री उसे काफी चीजें सिखाने लगती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग वगैरह। दूसरी तरफ हम इस प्रोजेक्ट के लीडर को देखते हैं, जो कि अपनी टीम को लेकर उस जगह पर आ जाती है। वहाँ पर इसका एक छोटा सा कैबिन होता है उन पहाड़ों के ऊपर जो बादल में उड़ रहे होते हैं। ये बहुत ही चार्मिंग व्यू है। उस तरफ जैक की ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती है। देखते ही देखते जैक की काफी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है और वो वहाँ की हर चीजों को सीख रहा होता है। हॉर्स राइडिंग करना, वहाँ शिकार कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात नेचर से कैसे प्यार करना है। नेत्री जैक को एक और जगह लेकर जाती है, जहाँ पर उसे परिंदे से मिलवाती है। उसे ये भी कहती है कि ये उड़ सकता है, और पता है इसकी खासियत ये है कि अपना राइडर खुद ही चुनता है और सारी जिंदगी उसके साथ सिंसियर रहता है और उसी को लेकर उड़ता है, उसके अलावा किसी और को नहीं उड़ाता। पर इसमें खतरे वाली बात ये थी कि इसको चुनने से पहले तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा कि ये तुम्हें मार भी सकता है। अब ऐसा ही होता है, लेकिन जल्दी जैक उस परिंदों को चुन लेता है और उस पर काबू पाकर उड़ने लगता है। नेत्री और जैक अपने अपने परिंदों पर उड़ रहे होते हैं और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर इन्हें दरख्त भी नजर आता है, वो जगह काफी खूबसूरत होती है, लेकिन इसके पीछे खतरनाक परिंदा पड़ जाता है। तो ये लोग जल्दी से लड़ के उसे हरा देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। फिर नेत्री जैक को बताती है कि ये मेरे एंसेस्टर की सवारी हुआ करती थी। इस पर सवारी करना बहुत ही मुश्किल है और इसके बारे में ये माना जाता है कि ये दुखों को खत्म कर सकता है और प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। अब जैक को यहाँ पर 3 महीने गुजर जाते हैं, तो कर्नल उसे वापस बुलाता है और कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें कहा था, लगता है वो काम तुम भूल गए हो। जैक कहता है कि नहीं, मैं भूला नहीं, बस कल उनका एक इवेंट है जिसमें वो सारे लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी उनका हिस्सा बन जाऊंगा। तो कर्नल उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि मैंने कहा था। अब जैक कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं उन लोगों को वहां से हटा दूंगा। तो कर्नल कहता है कि चलो देखते हैं। अगला दिन आ जाता है और वो इवेंट होता है जिसमें सारे लोग, यानी उस प्लेनेट के रहने वाले सारे क्रिएचर जैक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेत्री जैक को एवा की दरख्त दिखाती है, जो कि उनका प्योर दरख्त होता है, वो हमेशा ग्लो किया करता था। यहाँ पे नेत्री जैक को ये भी बताती है कि तुम चाहो तो इस कबीले में से किसी भी लेडी को चूज कर सकते हो। तो जैक उससे कहता है कि मुझे तो तुम ही अच्छी लगती हो। यहाँ पे नेत्री भी मुस्कुराती है। तभी हम देखते हैं कि कर्नल वहाँ पर मौजूद दरख्त गिराने लगता है, क्योंकि वो अपना काम शुरू करने वाला होता है, जिसे देखकर सारे कबीले वाले गुस्से में आ जाते हैं। जैक उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान तो रुक ही नहीं रहे थे। ये सब देखकर वो क्रिएचर जो कि कबीले का नया सरदार बनने वाला था, जैक पर हमला कर देता है और नेत्री उसे बचाती है। अब इस प्रोजेक्ट के लीडर कर्नल से कहती है कि जरूरी नहीं है कि तुम उनकी जमीन को खोदकर दरख्तों को गिराकर स्टोन को हासिल करो, क्या पता स्टोन चारों तरफ ही बिखरे हो। तब तक जैक भी आ जाता है, जो कि कर्नल को समझाता है, और जैक अपने हेड से भी कहता है कि आप लोग को स्टोन क्यों चाहिए, हम नेचर को बहुत पसंद करते हैं, वो कभी भी यहाँ से नहीं जाने वाले। तो कर्नल कहता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं जाएंगे तो मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका कि हम जंग करेंगे और ऐसा ही होगा। जैक उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहे होते, बस उनको इतना सा ही मौका देते हैं कि तुम लोग वापस अपने अवतार में आ सकते हो और उनको डील कर सकते हो और उनको समझा सकते हो कि तुम लोगों के पास आखिरी मौका है। इस प्रोजेक्ट के लीडर और जैक अपने अपने अवतार में चले जाते हैं, जहाँ पर जैक जाकर सब कुछ सच सच बता देता है कि मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा गया था कि मैं आप लोगों को इस जगह से हटा सकूं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें चाहिए। तो नेत्री ये सुनकर काफी रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम अब तक ड्रामा करते आ रहे थे। उस प्लेनेट के क्रिएचर जैक और उस प्रोजेक्ट के लीडर को कैद कर लेते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल उन लोगों के साथ आ जाता है, जैक उसे मना कर रहा होता है लेकिन फिर भी इस तरफ आ जाता है। तब इससे पहले कि वो लोग उन पर अटैक करते, वो क्रिएचर भी उनके ऊपर बो और एरो से अटैक करने लगते हैं। कर्नल उन पर बॉम्ब फेंकने लगता है, जिससे हर तरफ आग लग जाती है और कबीले के लोग डर के रोने लगते हैं। तभी एक फीमेल क्रिएचर
जैक के पास आ जाती है और उसे खोलते हुए कहती है कि हमारी जान बचाओ। लेकिन इतनी ही देर में कर्नल वो पेड़ भी गिरा देता है जो कि उनका प्योर ड्रग था। सब लोग ये देखकर काफी दुख होते हैं और इंसानों पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। इस सभी में नेत्री के फादर यानी कबीले के लीडर की भी डेथ हो जाती है। प्रोजेक्ट का हेड और कर्नल ऑर्डर देता है कि जैक और इस प्रोजेक्ट के लीडर को अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन तभी वहाँ पर पायलट आ जाती है जो कि फाइटर प्लेन चलाती है। वो आकर सबको बचाती है। अभी सारे लोग एक स्पेसशिप में होते हैं जहाँ पर कर्नल की फायरिंग की वजह से इस प्रोजेक्ट की लीडर जख्मी हो चुकी होती है। जहाँ पर जैक दोबारा से गिरफ्तार में आ जाता है। लेकिन जैक देखता है कि यहाँ के सारे लोग किसी और जगह चले गए और वो वहीं पर होता है जहाँ पर उनका प्योर ड्रग गिरा हुआ था। इन्हें लग रहा था कि जैक भाग चुका है और वो उनके सामने मदद करने के लिए कभी नहीं आएगा। लेकिन अब की बारी जैक उसी परिंदे पर सवार करते हुए जिसने नेत्री की एंसिस्टर सवारी करते थे। इन लोगों का ये मानना था कि जो इस परिंदे पर सवार करेगा वो गम के बादलों को हटा सकेगा यानी प्रॉस्पेरिटी ला सकेगा। तो जब जैक इन लोगों के पास आता है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि वाकई जैक नहीं भागा बल्कि अब तो वो आ चुका है हमारी मदद करने के लिए। नेत्री भी खुश होती है और वहाँ पर जैक नेत्री की मदर से बात शेयर करता है कि मेरा एक साथी जख्मी है, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है। तो उसे ये बात बताती है कि अगर वो अपने अवतार में वापस आ जाए तो चांसेस है। लेकिन एट लास्ट वो उस प्रोजेक्ट के लीडर को नहीं बचा पाते, उसकी यहीं पर डेथ हो जाती है। तब जैक इन कबीले वाले को सामने ऐलान करता है कि हम कर्नल के खिलाफ लड़ाई करेंगे और सब लोग उनकी तरफ हो जाते हैं, उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तादाद में यानी क्वांटिटी में वो काफी ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से कर्नल भी डर रहा होता है। लेकिन मसला ये था कि उनके पास बहुत बड़े बड़े चंगे जहाज थे और एडवांस वेपन भी थे। लेकिन जैक और कबीले वाले के पास तीर कमान यानी बोस और एरो थे। लेकिन जैक इन सारे बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो इस प्लैनेट को बहुत अच्छी तरह से जानता था और ठान लेता है कि जरूर वो इस प्लैनेट और इस नेचर के लिए लड़ेगा। वो उसी प्योर दरख्त के पास जाता है और उससे कहता है कि आप हमारी मदद करें क्योंकि कर्नल यहाँ पर नेचर को बर्बाद करने आया था, इसे ऐसा करने ना दीजिएगा। तब कर्नल अपना हमला कर देता है। वो अपने साथ बहुत ही ज्यादा आर्मी को लाता है। वो सबसे पहले शूट उसी प्योर दरख्त पर करता है। उन क्रिएचर्स ने अपने घोड़ों तक को तैयार कर रखा था। जैक भी उसी परिंदे पे बैठ कर आता है। इन सब के पास तीर कमान होते हैं लेकिन कर्नल और उसके साथी उन लोगों पर भारी पड़ रहे थे एडवांस वेपन और स्किल की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ इस प्लैनेट के क्रिएचर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग थे क्योंकि अपनी व्हील पावर को सबसे आगे रखते थे और यही इनकी सबसे स्ट्रांग बात थी। वहाँ पर काफी ज्यादा क्रिएचर भी अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे वो फाइटर पायलट आती है लेकिन इससे पहले वो जैक को बचा पाती कर्नल उस पर भी फायरिंग शुरू कर देता है। इस वजह से नेत्री का परिंदा भी जख्मी हो जाता है, काफी तबाही होने लगती है। इस फायरिंग की वजह से कबीले का नया सरदार भी मारा जाता है जो कि जैक का मजाक उड़ा रहा था। और कर्नल का अगला टारगेट होता है वही प्योर ड्रग क्योंकि वो इस पर हमला करके ये सारे लोगों को कंट्रोल करना चाहता था। इन सब में नेत्री भी काफी घबराई होती है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि वो दरख्त पर हमला करते जैक और सारे कबीले वाले आ जाते हैं जो कि उनसे उनके प्योर दरख्त को बचा रहे थे। दूसरी तरफ से बड़े बड़े परिंदे आने लगते हैं। वो कर्नल पर और उन सारे लोगों पर जिन्होंने वेपन पकड़े होते हैं उनके वेपन गिराने लगते हैं। जिस जहाज से ये लोग हमला करने वाले थे जैक उस पर हमला करके उसे गिरा देता है। जहाज तबाह हो जाता है, एक्सप्लोजन होने से भी बच जाता है और जैक कर्नल की जहाज पर भी हमला करता है, इससे उसका जहाज भी बर्बाद हो जाता है। तो कर्नल अपनी जहाज से नीचे जंप लगा देता है लेकिन जैक पेड़ों में गिरकर बच जाता है। तभी कर्नल को कई गाड़ी नजर आती है जिसमें जैक होता है यानी जैक का ह्यूमन वर्जन जो कि बेहोश था और वो सोचता है कि इस पर हमला करके वो जैक को ही मार डालेगा। तो जैक के मरने के बाद इसका अवतार कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वो नेत्री वहाँ पर आ जाती है। वो कर्नल से काफी ज्यादा लड़ती है लेकिन यहाँ पर वो कमजोर पड़ने लगती है और तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है। जैक कर्नल को अपने ह्यूमन वर्जन को मारने से रोकता है लेकिन कर्नल उसकी चोटी पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। लेकिन इससे पहले कर्नल जैक को हाथ भी लगाता वहाँ पर नेत्री अपना तीर चलाती है जो कि सीधा जाकर कर्नल को लगता है और इस बार कर्नल काफी बुरी तरीके से मारा जाता है। तभी जैक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे भी चोट आई थी और वो अपनी ह्यूमन वर्जन में वापस आता है। उसे सांस नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तभी यहाँ पर नेत्री आकर उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाती है। दोनों स्माइल करते क्योंकि नेत्री ने जैक की जान बचाई थी और जैक ने नेत्री का प्लैनेट। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बाकी सब इंसानों को जमीन पर भेजा जाता है और सिर्फ जैक को वहाँ पर रखा जाता है और उसके साथ कुछ सेलेक्टेड लोग जो कि इस क्रिएचर के साथ ही रहने वाले थे। जैक को हमेशा के लिए उसकी बॉडी से निकाल दिया जाता है और अवतार कैरेक्टर में बदल दिया जाता है और वो अब नीति के साथ और इस प्लैनेट में काफी ज्यादा खुश होता है।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।